आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं प्रश्न में यहाँ पे आपको एक गद्यांश दिया हुआ है जिसमें कहता है आपसे स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे संत थे जिनका रोम रोम राष्ट्रभक्ति राष्ट्र भक्ति से था उनकी सारे चिंतन का केंद्र बिंदु राष्ट्र था अपने राष्ट्र की प्रगति और उत्थान के लिए जितना चिंतन और कर्म इस तेजस्वी सन्यासी ने किया उतना पूर्ण समर्पित समर्पित राजनीतिज्ञों ने भी संभवता नहीं किया अंतर यह है कि इन्होंने सीधे राजनीतिक धारा में भाग नहीं लिया किंतु इनके कर्म व चिंतन की प्रेरणा से हजारों ऐसे कार्यकर्ता तैयार हुए जिन्होंने राष्ट्र रथ को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया इन्होंने निजी मुक्ति को जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया था बल्कि करोड़ों देशवासियों के उत्थान को ही अपना जीवन लक्ष्य बनाया राष्ट्र के दिन हीन जनों की सेवा को ही वे ईश्वर की सच्ची पूजा मानते थे सत्य की अनवरत खोज उन्हें दक्षिणेश्वर के संत श्री रामकृष्ण परमहंस तक लिखी गई और परमहंस ही वह सच्चे गुरु सिद्ध हुए जिनका सानिध्य पाकर इनकी ज्ञान भाषा शांत हुई उनतालीस वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी जी ने जो कार्य कर गए वे आने वाली अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे तीस वर्ष की आयु में इन्होंने शिकागो अमेरिका के धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म के प्रतिनिधित्व किया और इसके सार्वभौमिक पहचान दिलवाई तीस वर्ष त, तीन वर्ष तक वे अमेरिका में रहे और वहां के लोगों को भारतीय ज्ञान तत, भारती तत्व भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान की अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा यह स्वामी जी का दृढ़ विश्वास था यह केवल संत ही नहीं एक महान देश वक्ता विचारक लेखक और मानव प्रेमी भी थे अमेरिका से लौटकर उन्होंने आजादी की लड़ाई में भी योगदान देने के लिए देशवासियों का आह्वान किया और जनता ने स्वामी जी की बुकार का उत्तर दिया गांधी जी की आजादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला था वह स्वामी जी के आवाहन का ही फल था 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी के आखिरी दौर में वे लगभग सशक्त क्रांति के जरिए भी देश को आजाद कराना चाहते थे परंतु उन्हें जल्दी ही यह विश्वास हो गया था कि परिस्थितियां उन इरादों के लिए अभी परिपक्व नहीं थी इसके बाद ही उन्होंने एक परिवार परिवारजक के रूप में भारत और दुनिया को खंगाल डाला स्वामी जी की इस बात से आश्वस्त है मनुष्य की की हर तरह बेहतरी के लिए ईमानदार कोशिशें की हैं तो वह भारत ही है इनके दृष्टि में हिंदू धर्म की सर्वश्रेष्ठ चिंतकों के विचारों को निचोड़ कर पूरी दुनिया के लिए अब भी आश्चर्य का विषय है स्वामी जी ने यह संकेत दिया था कि विदेशों में भौतिक समृद्धि तो है और उसकी भारत को जरूरत भी है लेकिन यह याचक नहीं बनना चाहिए लेकिन हमें याचक नहीं बनना चाहिए हमारे पास उससे ज्यादा बहुत कुछ है और हम पश्चिम को दे सकते हैं और पश्चिम को उसकी बेसाखता जरूरत है प्रश्न में आपसे पूछ रहा है यहाँ पे चलिए प्रश्न देखते हैं प्रश्न में कहता है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उर्दू भाषा का शब्द है तो देखिए हमारे पास जो शब्द है वो क्या क्या दिए हुए हैं खंगाल राष्ट्र रोम रोम बेसाखता तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो विकल्प ए में दिया है खंगाल मतलब खोज निकालना खोज निकालना खंगाल डालना खोज निकालना तो यह एक हिंदी शब्द है ये कैसा शब्द है आपका एक हिंदी शब्द है यह एक हिंदी शब्द है एक, एक मिनट इसे हम यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा ठीक है फिर राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र भी आपका राष्ट्र का मतलब देश के बारे में बात की जा रही है है ना अगर इसके अर्थ की बात करें तो इसका मतलब देश और ये भी एक हिंदी शब्द ही है फिर हम अगर बात करते हैं रोम 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 का मतलब होता है यहां पे कोने कोने मतलब कि जैसे उदाहरण के लिए कि उदाहरण के लिए आप ये कह सकते हो कि विवेकानंद देश अः पूरे विश्व के रोम रोम तक फैलाना चाहते थे हिंदी धर्म को आ, भारत के भारत के प्रभुत्व को रोम रोम तक फैलाना चाहते वैश्विक के रोम रोम तक फैलाना चाहते थे तो मतलब कोने कोने तक फैलाना चाहते थे बेशाखता का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा है ना बहुत ही ज्यादा और यह एक ऐसा शब्द है जो कि उर्दू शब्द है या एक ऐसा शब्द है जो कि उर्दू शब्द है ठीक है? है यह एक उर्दू शब्द है उर्दू भाषा का उर्दू भाषा का शब्द है तो आपसे प्रश्न में भी तो यही पूछ रहा है कि दिए हुए विकल्पों में उर्दू भाषा का शब्द कौन सा है तो उत्तर जाएगा आपका विकल्प डी आशा करते हैं उत्तर समझ आया होगा धन्यवाद क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटा या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर